बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज थर्ड लेक्चर के साथ, बेटा आपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमने स्क्रीन पे कोई भी डिस्प्ले, कोई भी आउटपुट शो करनी है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह आता है कि आपने स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना है या आपने कोई आउटपुट शो करनी है, तो फौरन आपके माइंड में प्रिंट एफ आना चाहिए। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले करना हो, हमने कोई भी टेक्स्ट, कोई भी स्पेशल करेक्टर, कोई भी डिजिट, कुछ भी स्क्रीन पे शो करना है, तो आपके माइंड में फौरन क्या आना चाहिए? प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ को लिखने का तरीका कार क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसका सिंटैक्स क्या है, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था कि इसको लिखने का तरीका कार कुछ ऐसे है कि प्रिंट एफ, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर डबल कोटेशन, और इसी तरह डबल कोटेशन के वो टेक्स्ट जिसको डिस्प्ले करना है, और फिर डबल कोटेशन क्लोज, और इसी तरह पैरेंथेसिस, और लास्ट पे सेमीकॉलन। आज मज़ीद इसी प्रिंट एफ स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने कल मुख्तलिफ किस्म की प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी थी, हमने सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर भी आउटपुट को शो किया था, मल्टीपल प्रिंट एफ भी लिखी थी। हमने कहा था कि चाहे हम सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर सारा टेक्स्ट लिख दें, सारा का सारे करेक्टर लिख दें, या हम मल्टीपल प्रिंट एफ को यूज़ करें, तो इस तरह हमारी लाइन ब्रेक नहीं होगी, हमारी न्यू लाइन नहीं आएगी। यानी इसकी आउटपुट को अगर हम देखेंगे तो हमें सिंगल लाइन के अंदर सारी की सारी आउटपुट डिस्प्ले हो रही होगी, सारी के सारा टेक्स्ट क्या आ रहा है, सिंगल लाइन के अंदर आ रहा है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि, या मुझे कहा गया है कि आउटपुट को ऐसे डिस्प्ले करवाएं कि आपका ये जो तीन टेक्स्ट हैं, यानी ये जो तीन स्टेटमेंट हैं, ये सिंगल लाइन पे आए, लेकिन ये जो है ये एक अलग सेपरेट लाइन पे आए, तो इसका मतलब है इसके बाद मुझे लाइन को ब्रेक करने की ज़रूरत है, मुझे इस टेक्स्ट को न्यू लाइन पे लेके जाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए बेटा आज जो आपने एक चीज़ याद रखनी है वो है स्लैश एन। जब भी प्रिंट एफ के अंदर या आउटपुट के अंदर आपने न्यू लाइन पे टेक्स्ट को, डेटा को लेके जाना होगा, टेक्स्ट को न्यू लाइन पे लेके जाना होगा, तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए स्लैश एन। स्लैश एन किसके लिए यूज़ होता है? न्यू लाइन के लिए। अब देखें यहाँ पे मैं इन स्टेरिक के बाद न्यू लाइन को डालना चाहता हूँ, तो न्यू लाइन पे टेक्स्ट लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इन स्टेरिक के बाद स्लैश एन लगा दिया। इस चीज को भी याद रखेंगे कि हमने कहा था कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं वो एज इट एज स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, कल हमने ये बात कही थी। लेकिन बेटा आपने अब उसमें से इस चीज को याद रखना है कि स्लैश एन अगर हम डबल कोटेशन में लिखेंगे तो वो एज इट एज स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि उससे एक लाइन ब्रेक होगी और न्यू लाइन पे ये टेक्स्ट न्यू लाइन के स्टार्ट पे चला जाएगा। अब देखें कि क्या वाकई ऐसा होता है और स्लैश एन हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता और यहाँ पे न्यू लाइन आती है, तो इसको कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। तो कंपाइल और रन किया तो वहाँ पे एग्जीक्यूट जब प्रोग्राम होगा तो हमें यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है कि ये देखें स्टेरे के बाद ये सारा का सारा टेक्स्ट न्यू लाइन पे चला गया है। अब देखें कि इस स्लैश एन ने क्या किया, यहाँ से लाइन को ब्रेक किया और यहाँ न्यू लाइन डाल के उस पे टेक्स्ट को क्या किया, पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पे ये स्लैश एन एज इट एज स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हुआ, बल्कि इसके आपने मीनिंग जा रखने हैं कि स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन के लिए यूज होता है। अब देखें कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर एक के बाद न्यू लाइन को, न्यू लाइन पुट करना चाहता हूँ, यानी लाइन को ब्रेक करना चाहता हूँ, तो आप हर एक के आगे क्या लगा सकते हैं, स्लैश एन। इस तरह आप स्लैश एन लगाएं तो आप देखें कि आपकी ये तमाम जितनी भी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हैं उनका जो टेक्स्ट है वो आपको न्यू लाइन पे नज़र आएगा। यानी ये स्टेरिक हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड और फिर स्टेरिक, इसका मतलब है अब क्योंकि हमने हर जगह न्यू लाइन को यूज़ किया है, तो इस तरह हर जगह ये क्या हो गई है, न्यू लाइन की वजह, स्लैश एन की वजह से न्यू लाइन आ रही है।
एक और जो कॉमन गलती करते हैं स्टूडेंट, वो अक्सर इस स्लैश की जगह इस स्लैश को यूज़ कर लेते हैं। तो जब आप इस स्लैश की जगह इस स्लैश को यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा कि प्रॉब्लम होगी, यानी बैक स्लैश की जगह आप फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ कर लेते हैं तो फिर ये न्यू लाइन के लिए नहीं काम करेगा, बल्कि ये एज इट एज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड से पहले आपको स्लैश एन नज़र आ रहा है। तो ये इस वजह से नहीं हुआ, न्यू लाइन पे नहीं गया, क्योंकि इसकी रीज़न ये थी कि ये फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई थी, बल्कि लेकिन हमने यूज़ क्या करनी थी, बैक स्लैश। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है ताकि आपकी जो स्लैश एन है वो सही काम करे और आपके टेक्स्ट को न्यू लाइन पे लेके जाए। आप देखें, चाहे इसको आप सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर लिखें, चाहे आप इसको मल्टीपल प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर लिखें, ये इसी तरह जहाँ जहाँ स्लैश एन होगी वहाँ पे हमारा टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने एक ही प्रिंट एफ के अंदर सारा का सारा टेक्स्ट पुट कर दिया है, लेकिन हर उसके बाद हमारे कुछ टेक्स्ट के बाद स्लैश एन आ रहा है। तो जहाँ जहाँ स्लैश एन है वहाँ पे उस जगह आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट न्यू लाइन पे मूव कर जाएगा। तो इसको कंपाइल और रन करें तो देखें आपको आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप जितनी भी स्लैश एन, आप एक जगह लाजमी नहीं कि एक स्लैश एन, आप चाहें तो जितनी मर्जी स्लैश एन लगाएं, हर स्लैश एन एक न्यू लाइन क्या करती जाएगी, इंसर्ट करती जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे मैंने स्लैश एन कितने लगाए हैं, मल्टीपल स्लैश एन को यूज़ किया, तो यहाँ पे हमें फ़र्क नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो लाइन है, वो न्यू लाइंस हैं वो ज़्यादा क्रिएट हुई हैं, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, तो टोटल 5 लाइन यहाँ पे क्या हुई हैं, 5 लाइन का डिस्टेंस हमें नज़र आएगा कि 5 लाइन यहाँ पे क्या हुई हैं, क्रिएट हुई हैं। तो इस तरह स्लैश एन हमारा काम करता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मैंने कहा था कि आप इसी तरह छोटे छोटे पॉइंट्स को डेली बेसिस पे जो बताऊंगा आपने उसको याद कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है, और आप इंशाल्लाह एक मंथ के बाद देखेंगे कि आपको अच्छी खासी प्रोग्रामिंग स्किल्स होंगी और आप एक हद तक बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।